हेलो भाई को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल के हेम ऑपरेटर के लिए। हेम और ऑपरेटर में जो एनसीएल में भर्ती घोटाला हुआ है, स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीएल में भर्ती घोटाला में केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। यहाँ पर क्या क्या इन्होंने कहा है, क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जो हेम ऑपरेटर में एनसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें धांधली हुआ था, कई बच्चे ब्लूटूथ लगाते हुए पकड़े भी गए थे और इसकी पुष्टि भी एनसीएल ने विभाग ने की थी, लेकिन मेरिट इतनी हाई जा रही है, इतने 99 नंबर लोग यहाँ पर ले कर आ रहे हैं, तो कहाँ मेरिट इसका जाएगा। पेपर के लेवल बहुत टफ था। देखिए इसमें और आगे क्या लिखा है बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है कि विधायक ने सीबीआई से जांच कराने के राज्य मंत्री को एनसीएल के सीएमडी को भेजा पत्र। राम बोले गड़बड़ी करने वाले को दर्ज कराया एफआईआर। यहाँ पर जिनको गड़बड़ी किया है जिन्होंने, उनको एफआईआर दर्ज करना निश्चित हो गया है और सीबीआई जांच का आदेश भी यहाँ पर विधायक जी ने मांगा है। तो यहाँ पर राज्य मंत्री ने, केंद्रीय राज्य मंत्री ने जांच का आदेश दिया है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो यहाँ पर परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई जा रही है, परीक्षा रद्द करने की मांग उठी है। एनसीएल का पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ है, आप यहाँ वाली मांगे देख सकते हैं। तो इसमें तय है अब जांच होगी तो जो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। टेंशन ना लीजिए, जिन्होंने भी हेम ऑपरेटर का पेपर दिया है वो अपना अच्छे से अपना आगे भी कार्रवाई की पढ़ाई जारी रखें और आगे इसमें क्या होता है देखते हैं। बहुत ही जल्दी इसका रिएक्शन लिया जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इतना बड़ा इसमें धांधली होने का मतलब है कि सबसे पहला धांधली का मतलब हो जाता है, आप अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कराते हो तो धांधली का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।